आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विकास ही समाज के उत्थान का सबसे सही रास्ता है। आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार और गरीबी उन्मूलन के लिए विकास की जरूरत हमेशा से महसूस की जाती रही है। अशोक गहलोत को जब जब प्रदेश का जिम्मा मिला है, उन्होंने गरीबी को खत्म करने और प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और उनकी क्षमता पर राजस्थान भरोसा करता है। तभी तो तीसरी बार भी सत्ता की चाबी अशोक गहलोत को सौंपी है। गरीबों का जीवन स्तर उठाना और मानव जीवन को मूल्यों से भरना, समाज में शांति के लिए सत्य अहिंसा का साम्राज्य स्थापित करना और अनुशासित जीवन से उच्चादर्शों को प्राप्त करना, ऐसे समाज की कल्पना की थी गांधी जी ने। अशोक गहलोत ने लगातार गांधी जी की इस कल्पना को साकार करने के लिए कदम उठाए हैं। राजस्थान के लोगों को गरीबी से उबारने में उन्होंने हर जरूरी कदम उठाया। ये गहलोत का राजस्थान के गाँव, गरीब और किसान के प्रति लगाव ही है। राजस्थान से उनका लगाव समय समय पर छलकता रहा है। इस गायत्री देवी जी को जयपुर से तब प्यार था, इतना स्नेह था, जयपुर वासियों से, जयपुर से। वो इंग्लैंड में बीमार हुई, इंग्लैंड में, तो उन्होंने कहा कि मुझे जयपुर ले चलो। जब मुझे अंतिम सांस निकल रही थी तो मैंने कहा कि उनको जयपुर लाया गया प्लेन के अंदर। चार्टर प्लेन था, लाखों रुपये खर्च हुए होंगे, कुछ इतना करोड़ रुपये खर्च हुए हों। जयपुर आ गया और जयपुर में उनकी अंतिम सांस निकली। तो मेरा इतना प्रेम था जयपुर वासियों से, जयपुर से, राजस्थान से, कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेना खुद ने तय किया, मुझे जयपुर लेनी है। तो मैं भी कहना चाहूँगा, मेरी जो है अंतिम इच्छा रहेगी कि जोधपुर में मेरा अपनी सांस ले लेगी। प्रेम, सेवा और समर्पण के बीज गहलोत में जवानी की शुरुआत से ही पड़े थे। गरीबों और पिछड़े वर्ग की सेवा को तत्पर अशोक गहलोत ने जब जब मौका मिला सेवा कार्यों में तत्परता दिखाई। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान उन्होंने शरणार्थी शिविरों में काम किया तो तरुण शांति सेना के शिविरों में सक्रिय रूप से भागीदारी की। उन्होंने सेवाग्राम, वर्धा, औरंगाबाद, इंदौर जैसी जगहों पर काम किया। कच्ची बस्ती और झुग्गी क्षेत्रों के विकास में सेवाएं दी। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा विस्तार में योगदान दिया। कुमार साहित्य परिषद और राजीव गांधी मेमोरियल बुक बैंक से जुड़े। मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत के पहले कार्यकाल के दौरान राजस्थान में इस सदी का भयंकर अकाल पड़ा। उन्होंने बहुत ही प्रभावी और कुशल ढंग से अकाल प्रबंधन का काम किया। उस समय अकाल प्रभावित लोगों के पास इतना अनाज पहुँचाया गया जितना अनाज ये लोग शायद अपनी फसलों से भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। विपक्ष भी खाद्यान्न और चारे की अनुपलब्धता के संबंध में सरकार की तरफ उंगली नहीं उठा सका, क्योंकि गहलोत ने व्यक्तिगत रूप से अकाल राहत कार्यों की मॉनिटरिंग की थी। गहलोत को गरीब की पीड़ा और उसके दुख दर्द की अनुभूति करने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी का मत था कि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उनका मानना था कि वास्तविक लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि सेवक के रूप में काम करें तो ही देश का भला संभव है। अशोक गहलोत ने भी कभी कोरे वादे की राजनीति नहीं की। वे जब जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया। पचपदरा में बाड़मेर में रिफाइनरी की आधारशिला रखी, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी, सूरतगढ़ में सुपर थर्मल पावर स्टेशन की 2 इकाइयां, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना, रतलाम से डूंगरपुर 188 किलोमीटर रेल लाइन, बाड़मेर के नागाड़ा गाँव में मंगला टर्मिनल से पाइपलाइन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना, वृद्धावस्था तथा एकल नारी पेंशन, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा, सुनवाई का अधिकार अधिनियम, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, उद्योगों के लिए एकल खिड़की योजना, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना लाए। अपने तीसरे कार्यकाल में भी गहलोत अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं को वे अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को उन्होंने लगातार जमीन पर उतारा है। सरकार बनाने के साथ ही उन्होंने इस पर काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने किसान कर्ज माफी का फैसला किया, गुर्जर समेत 5 जातियों को 5% आरक्षण का बिल पारित किया, सवर्ण को 10% आरक्षण का प्रस्ताव भी पास किया, महिलाओं को 33% आरक्षण का संकल्प पूरा किया, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1000 पदों पर सीधी भर्ती का फैसला किया, 11,000 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की, बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया, जयपुर में गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, विशेष योग्यजनों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण बढ़ाया, सरकारी कॉलेजों में बेटियों को मुफ्त शिक्षा का फैसला,
स्काउट आवासीय विद्यालय की फिर शुरुआत की, जिला स्तर पर रेस सेंटर की स्थापना की, कॉलेजों में एनुअल ऑडिटिंग प्रोग्राम शुरू किया, जनजाति क्षेत्र में 50 सामुदायिक जलोत्थान प्रोजेक्ट की प्लानिंग की, 1800 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई, बैणेश्वर धाम विकास बोर्ड का गठन किया, आपदा प्रबंधन में सहायता राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचाने का इंतजाम किया, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर में औषधीय परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए नीति पर काम शुरू किया, 9874 ग्राम पंचायतों के लिए विशेष काम स्वीकृत किए, पंचायत स्तर पर फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया, इस साल 20,000 वाईफाई हॉटस्पॉट का लक्ष्य रखा, स्टार्टअप के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी की शुरुआत की, इंदिरा गांधी फीडर का जीर्णोद्धार किया, किसानों को टेल तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए। अशोक गहलोत के गांधीवादी सिद्धांत उन्हें निरंतर काम करने की प्रेरणा देते हैं। वे समाज में परिवर्तन लाने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आज जब देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है, तब राजस्थान आशा और उत्साह से अशोक गहलोत के साथ आगे बढ़ रहा है। सभी को उम्मीद है कि मारवाड़ के गांधी अशोक गहलोत बापू के सपनों का भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक जीवन में कई विदेशी यात्राएं की हैं। उन्होंने हर यात्रा में राजस्थान के विकास का खाका खींचा है और सिंचाई की समस्या से जूझते राजस्थान को निजात दिलाने के लिए उन्होंने 2013 में इसराइल की यात्रा भी की थी। अब जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं तो फिर उनकी नजर सूबे के किसानों की हालत को सुधारने पर है। देश के विकास में जनप्रतिनिधि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गांधी जी ने जनप्रतिनिधि को जनता का सेवक बताया है। अशोक गहलोत ने एक सच्चे राजनेता की तरह अपना ध्यान गरीबों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित रखा है। उनमें नेतृत्व की क्षमता कूट कूट कर भरी है। अभूतपूर्व सूखा प्रबंधन, विद्युत उत्पादन, संसाधनों का विकास, रोजगार सृजन, औद्योगिक और पर्यटन विकास, कुशल वित्तीय प्रबंधन और सुशासन के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की, जोधपुर में IIT और NIFT, उदयपुर में IIM और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, बेटी बचाओ का नारा दिया, जिसे राज्य की जनता ने पूर्ण मनोयोग से स्वीकार किया। गहलोत ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। AICC के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में उन्होंने 1994 में चीन की यात्रा की, CUAC के प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में साइप्रस की यात्रा की, बुल्गारिया जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी उन्होंने नेतृत्व किया, बैंकॉक, आयरलैंड, फ्रैंकफर्ट, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग, UK, इटली तथा फ्रांस देशों की यात्रा की। USA में अप्रवासी राजधानियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मई 2013 में इसराइल का राजकीय दौरा किया, इसराइल में प्रयोग में लाई जा रही कृषि तकनीक का अध्ययन किया। गहलोत को जब भी मौका मिला तो वे महात्मा गांधी से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च की 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस और महात्मा गांधी फाउंडेशन की ओर से आयोजित दांडी यात्रा के समन्वयक के रूप में उन्होंने काम करते हुए इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया। जाहिर है कि उनके गांधी प्रेम ने अशोक गहलोत में सेवा भाव कूट कूट कर भरा है और उनके गांधीवादी विचार और जीवन शैली से राजस्थान उज्ज्वल भविष्य के सपने देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।